बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर रमज़ानुल मुबारक में एक मसला ये पूछा जाता है कि क्या हमल की हालत में हामला औरत रोज़ा छोड़ सकती है या कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर हामला औरत है और उसको ये ख़दशा है या तबीब ने, डॉक्टर्स ने इसको रोज़ा रखने से मना किया है कि अगर ये रोज़ा रखेगी इसकी सेहत को और बच्चे की सेहत को मसला होगा, तो फिर इसके लिए जायज़ है कि ये रोज़ा छोड़ दे। और जब फारिग हो तो फरागत के बाद जितने रोज़े छोड़े होंगे उनकी ये औरत कज़ा करे। आम तौर पर ये जो रोज़े छोड़े जाते हैं इस दौरान, वो रोज़ा समझते ये हैं कि अगर रोज़े की छुट्टी दे दी है मौलवी साहब ने, या इसमें मसला ये है कि इस हालत में रोज़ा ना रखें, तो इसका मकसद ये नहीं होता है कि सारी ज़िंदगी ही ना रखें। इसका मकसद ये होता है कि इस हालत में रोज़ा ना रखें, जब इस हालत से आपको छुटकारा हासिल हो जाए, आप इस हालत से आज़ाद हो जाएं, उसके बाद आप रोज़ा रखें, उस रोज़ों की कज़ा करें। ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ अगर छूट जाए तो उनकी कज़ा करना ये ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, सख्त गुनाहगार होंगे।